you want to know the beauty secrets of beautiful Tamanna Bhatia. Hi guys, welcome back to the channel and if you are new to the channel then please subscribe कर लेना. So कुछ वक्त पहले ना तमन्ना भाटिया ने वोक के साथ एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपने ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था और उसमें उन्होंने बात की थी कुछ ऐसे स्किन के रिचुअल्स की जो वो फॉलो करती आ रही है बचपन से एंड विच शी स्वर्स बाई और टिल डेट वो उसको यूज करती हैं. सो आई थॉट दैट आई विल काइंड ऑफ रेप्लीकेट जो उन्होंने किया था एंड आई विल गिव माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन हर स्किन केयर रिचुअल्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो जो फर्स्ट थिंग थी ना जो उन्होंने प्रिपेयर की थी दैट वॉज अ DIY फेस स्क्रब जिसमें उन्होंने तीन इंग्रीडियंट्स को यूज किया था, चंदन पाउडर और सैंडलवुड पाउडर, कॉफी पाउडर एंड हनी. सो इन तीनों को मिला के ना उन्होंने एक स्क्रब प्रिपेयर किया था. तो जल्दी से अपना ये स्क्रब हम लोग भी बना लेते हैं, देन आई विल पुट इट ऑन माय फेस. ठीक है, तो आई एम टेकिंग 1 tablespoon ऑफ सैंडलवुड पाउडर, 1 tablespoon ऑफ कॉफी पाउडर एंड देन शी यूज 1 tablespoon ऑफ हनी. एंड उन्होंने मेंशन किया था कि अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो आप 1 tablespoon से ज्यादा यूज कर सकते हो. तो एक बार इसको अच्छे से मिला लेते हैं, मेरे को जरूरत पड़ेगा तो फिर आई यूज सम मोर. मेरे को हनी थोड़ा कम लग रहा था तो थोड़ा सा और हनी इसमें मिक्स कर रहे हैं अभी हम. तो हमारा भी पेस्ट बन के तैयार है सैंडलवुड हनी एंड कॉफी. उनका भी ऐसा ही कुछ कंसिस्टेंसी था और फिर वो इस तरह से उसको बस अपने चेहरे पे लगा लेती हैं. तो उन्होंने इन हर वीडियो मेंशन किया था कि जो भी इंग्रेडिएंट आप यूज़ कर रहे हैं ना वो आप कोशिश करिए कि सारे ऑर्गेनिक हो क्योंकि तभी आपको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा. तो शी डिड मेंशन दिस देयर. ऑल्सो शी सेड ना कि जब वो अप्लाई करती है ना इस पेस्ट को तो वो अपने आईज वाले एरिया पे अप्लाई नहीं करती है क्योंकि एक स्क्रब है और जो आईज होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है. तो वो अपने आईज और ये वाले एरिया पे, आईलिड पे और नीचे वाले एरिया पे भी अप्लाई नहीं करती है. सो ऑल द 3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन दिस स्क्रब इज ग्रेट फॉर योर स्किन. कॉफ़ी का जो कोर्स टेक्सचर होता है ना वो आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है और स्किन में जो भी डेड स्किन सेल है उसको हटाता है. हनी इज नोन टू बी अ ग्रेट मॉइस्चराइजर एंड वो आपके स्किन में मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है, साथ ही मॉइस्चर को रिटेन करता है और आपके स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी बहुत हेल्पफुल होता है. हनी और सैंडलवुड दोनों में ही एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो आपके स्किन को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट दी एक्ने एंड पिम्पल्स एंड आपके स्किन को एक क्लियरर लुक प्रोवाइड करता है. ऑल्सो इन तीनों ही इंग्रेडिएंट्स में ना एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है एंड तीनों ही रिच होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स में विच फाइट अगेंस्ट द डैमेज कॉज्ड बाई फ्री रेडिकल्स. ठीक है, तो मेरा ये फेस पैक अब लग के तैयार हो चुका है पूरी तरह से. आई हैव पुट इट ऑन माई फेस एंड देन शी सेज दैट यू हैव टू वेट फॉर 10 minutes एंड देन वॉश इट ऑफ. तो हम लोग भी 10 मिनट का वेट करेंगे एंड देन आई विल वॉश इट ऑफ. ऑल्सो शी मेंशन्ड दैट अगर आप इनमें से कोई चीज़ के लिए एलर्जिक हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक पैच टेस्ट कर लो. सो आई ऑल्सो डिड अ पैच टेस्ट कि कहीं मेरे को इन सब में से कोई भी चीज़ के साथ कोई एलर्जी तो नहीं है. दो मेरे को पता था कि मेरे को इनमें से कोई भी चीज़ के साथ एलर्जी नहीं है. ओके, सो आई गेस 10 मिनट्स हो चुके हैं. नाउ आई विल रिमूव द स्क्रब फ्रॉम माई फेस. ओके ठीक है, तो आई हैव नाउ वॉश्ड माई फेस एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज. मेरा चेहरा बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट सा फील हो रहा है एंड आई थिंक क्योंकि एक तरह का स्क्रब है तो जो भी डेड सेल होते हैं ना, आपके डेड स्किन सेल्स होते हैं जो भी चेहरे पे, वो भी कहीं ना कहीं इससे हट जाते हैं. तो ये करने के बाद ना उन्होंने एक फेस पैक प्रिपेयर किया था यूजिंग 3 इंग्रेडिएंट्स, बेसन, दही और रोज वाटर. तो इन तीनों को यूज करके उन्होंने एक फेस पैक प्रिपेयर किया था तो वो भी अब हम लोग जल्दी से प्रिपेयर कर लेते हैं. तो शी यूज 1 tablespoon ऑफ बेसन. तो 1 tablespoon उन्होंने बेसन लिया था, फिर उन्होंने 1 tablespoon दही लिया था और उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करनी है तो आप ज़्यादा दही भी यूज़ कर सकते हो. तो एक बार देख लेना कि कैसे आपका कंसिस्टेंसी आ रहा है, उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो दही के साथ. फिर उन्होंने 1 tablespoon जितना रोज़ वाटर यूज़ किया था. तो उन्होंने कहा था कि उनको ना वो स्क्रब लगाने के बाद थोड़ा रेडिशनेस हो जाता है जिसकी वजह से वो रोज़ वाटर यूज़ करती हैं उस रेडिशनेस को थोड़ा लाइट करने के लिए. तो हम लोग फटाफट से अब इन तीनों को मिला के एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं. पेस्ट बन के तैयार हो चुका है और इसमें थोड़ा सा लाइक 1/4 tablespoon हम दही थोड़ा और ऐड किए थे. तो ये इस तरह का पेस्ट, इस कंसिस्टेंसी का पेस्ट बन के रेडी है. ठीक है, तो इसको भी फटाफट से हम लोग अपने फेस पे लगा लेते हैं.
कि काफ़ी ठंडा लग रहा है। अगेन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन दिस फेस पैक इज़ ग्रेट फॉर योर स्किन। बेसन में स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और इसके रेगुलर यूज़ से ना आपके स्किन को ही अंदर से हेल्दी कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। कर्ड में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो अगर आपको ड्राई स्किन है ना तो आपको कर्ड डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। सो दही और रोज़ वाटर दोनों में ही ना कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो आपके स्किन में रेडनेस या फिर किसी भी तरह का इरिटेशन अगर आपको है ना स्किन में, तो वो उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। तो इसको भी लगाकर उन्होंने कहा था कि इसको भी आप 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पे रहने दो ताकि ये थोड़ा सूख जाए, उसके बाद फिर आप इसको भी वॉश ऑफ कर लो। सो आई हैव वॉश्ड माय फेस एंड इट फील्स सो गुड। आई मीन इट जस्ट फील सो सॉफ्ट, सो सपल एंड सो हाइड्रेटेड। मतलब ऐसा लग रहा है कि कितने समय के बाद आपने स्किन को इतनी अच्छे तरह से पैम्पर किया है। तो वंस यू एक्चुअली वॉश योर फेस ना, बहुत ज़रूरी है कि अपने फेस को आप मॉइस्चराइज कर लो। सो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर बाय सेटाफिल। इसका वीडियो आप ऑलरेडी मेड, सो आई पुट द लिंक ओवर हियर, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक और आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। तो एक बार अपना फेस धोने के बाद ना ये आप मॉइस्चराइजर अपने फेस पर ज़रूर लगा लेना। Okay guys, so the time has come where I give my honest review of both the things that she prepared, the face scrub and the face pack. Honestly guys, दोनों ही चीज़ें आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छी है। मतलब उन दोनों को लगा के ना मेरे स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो आ गया है। मेरा स्किन इतना सॉफ्ट और इतना मॉइस्चराइज फील कर रहा है कि आई कांट इवन टेल यू गाइज। एंड द ग्लो, आई मीन जो ग्लो मेरे स्किन पे आ गया है, दैट्स जस्ट अमेजिंग। एंड जो दोनों ही चीज़ों को बनाने के लिए उन्होंने इंग्रीडियंट यूज किया था ना, वो दोनों ही आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये दोनों ही स्क्रब और फेस पैक है ना, आई हाईली रिकमेंड यू गाइज कि आपको भी ये ट्राई करना ही चाहिए। मतलब जो ग्लो और जो मॉइस्चराइज्ड आपका फेस फील करेगा ना, मतलब यू विल थैंक तमन्ना भाटिया फॉर शेयरिंग हर रिचुअल्स विद अस, बिकॉज ये दोनों ही अमेजिंग DIYs है। एंड अगर आप इसे ट्राई करते हो ना, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन below how it worked for you, and I hope you found my video to be informative. If you liked my video, hit the like button and don't forget to subscribe to my channel.